डी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो फर्मी लेवल की पोजीशन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इससे पहले हम कुछ सेमीकंडक्टर की कैलकुलेशंस कर चुके हैं जिसमें हमने कैरियर कंसंट्रेशन निकाली है फॉर इंट्रिंसिक एंड फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके लिए हमने वैल्यूज देखेंगी कि वो देखी थी कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड कह लें, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, वो इसमें जो फर्मी लेवल है फर्मी लेवल यूजली जो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जो बिल्कुल जो है वो सेंटर पे लाई करता है वो EFI, ठीक है। EF मीन फर्मी लेवल और I मीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको EIB सम टाइम कहते हैं। तो अब ये यूजली मिड में लाई करता है, लेकिन हम आज की क्लास में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली मिड में लाई नहीं करता, मीन कि जो बैंड गैप है जो बैंड गैप एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ये बिल्कुल मिड में लाई नहीं करता, बल्कि ये सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए हो सकता है। तो जो बिल्कुल मिड वाली एनर्जी होगी उसको हम नाम देंगे मिड गैप एनर्जी। तो फिर हम देखेंगे कि ये मिड गैप एनर्जी से ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, और हम उसकी वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस आर इक्वल, मीन के जितने यहाँ पर होल्स होंगे वैलेंस बैंड में उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करके ऊपर जाता है तो होल प्रोड्यूस होते हैं। इसमें कोई डोपिंग नहीं है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। इट दैट इज एन नॉट और एन आई इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन सी ई रेज पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ आई ओवर के टी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक क्लास में। एंड देन होल कंसंट्रेशन ई आई इज इक्वल टू एन बी ई रेज पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी ओवर के टी, वेयर एन सी एंड एन वी आर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड एंड एट वैलेंस बैंड रिस्पेक्टिवली। अब विकास सेमी कंडक्टर के केस में ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं, दैट इज एन नॉट इज इक्वल टू पी नॉट, और यू कैन से एन आई इज इक्वल टू पी आई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, एन नॉट की ये वैल्यू और पी नॉट की ये वैल्यू, एन सी ई रेस पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ आई ओवर के टी इज इक्वल टू एन वी ई रेस पावर माइनस ई एफ आई माइनस ई ए वी ओवर के टी। तो अब ये करते हैं कि इसको सॉल्व करके तो हम इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की पोजीशन फाइंड करते हैं। इसमें देखिए ई एफ आई, इसकी पोजीशन वैल्यू हमने इसको हमने फाइंड करी, मीन कि इसको सब्जेक्ट बनाना है हमने। कंडीशन क्या है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन, इसको इक्वल रख के हम ये वैल्यूज अभी निकाल रहे हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसमें ये एन सी को हम इधर ले जाएँ, एन वी एन सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लें, एल एन ई रिज पावर दिस एंड एल एन ई रिज पावर दिस, दिस ई सी माइनस ई एफ आई ओवर के टी, ये वी नो के एल एन और ई कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। इधर इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग कर लें, एल एन एन वी और एन सी प्लस एल एन ई रिज पावर दिस, इनको सेपरेट कर लिया, और ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, और ये एल एन और ई कैंसिल होके ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। अब फिर हमने इस माइनस साइन को शुरू में कर लिया, नो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, नो ये इसको हम इधर ले जाएं, ई एफ माइनस सी आई ये ई वी ओवर के टी, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इन कैल्शियम लें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो वी नो ई एफ आई ई एफ आई ये टू ई एफ आई आ जाएगा, और ई सी माइनस ई वी इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो
वी गेट ई सी प्लस ई वी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन वी ओवर एन सी. सो अब के टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट टू ई एफ आई इज इक्वल टू ये टर्म राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगी ई सी प्लस ई वी प्लस के टी एल एन एन वी ओवर एन सी, और ई एफ आई इज इक्वल टू ई टू इधर के डिवाइड हो जाएगा इससे भी और इससे भी दोनों तरफ. ठीक है, वी कॉल दिस इक्वेशन ए. इक्वेशन ए आ गई हमारे पास. ठीक है, अब इसमें हम ने देखा कि जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड पे डिपेंड कर रहे हैं. अब हम ये करते हैं कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. सो एज वी नो अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट कंडक्शन बैंड वो इक्वल होती है टू टू पाई एम एन स्टार के टी ओवर एस स्क्वायर, वेयर एम एन स्टार इज अफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट वैलेंस बैंड इज इक्वल टू टू पाई एम पी स्टार के टी ओवर एस स्क्वायर फोर पावर थ्री बाई टू. इसमें एम पी स्टार इज अफेक्टिव मास ऑफ होल, तो इसमें अफेक्टिव मैसेज का डिफरेंस है, बाकी ये टर्म एक जैसी हैं. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं छः लेक्चर्स में. यूजली फॉर मोस्ट ऑफ सेमी कंडक्टर्स जो उसकी वैल्यूज़ हैं एन सी और एन वी की, दीज आर इन द रेंज ऑफ 10^-19, ऑर्डर ऑफ 10^-19 पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में लाई करती हैं. सो अब ये करेंगे, ये वैल्यूज में पुट कर दें एन सी और एन वी की वैल्यूज़, मीन के एन सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें यहाँ और एन वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें दोनों में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट ई एफ आई इज इक्वल टू 1/2 ई सी प्लस ई वी प्लस हाफ के टी एल एन. आगे ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ एन बी, दिस इज वैल्यू ऑफ एन सी, दिस इज एम एन स्टार इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इसमें देखें तो ये टू टू कट जाएगा, टू पाई से कट जाएगा, एच स्केयर कट जाएगा, के टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एम पी स्टार और एम एन स्टार और ये पावर 3/2, ये भी 3/2, तो जिसको होल सिंगल पावर कर लें होल पावर 3/2 ई एफ आई. सो ई एफ आई इज इक्वल टू 1/2 ई सी प्लस ई वी प्लस, अभी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए ये पावर इधर आके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 3/2 3/4 लॉग ऑफ एम पी स्टार और एम एन स्टार. वी सेव दिस इक्वेशन बी. अच्छा, अब इसमें ये जो टर्म है ये क्या है, ई सी प्लस ई वी ओवर टू, मीन कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो ये बिल्कुल मिडल में आएगी ई सी प्लस ई वी ओवर टू, ये बिल्कुल मिडल में आएगी टर्म. दैट इज बिल्कुल सेंटर में जो टर्म आएगी ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में. याद रखना ये बिल्कुल सेंटर में है, इनके मिड में है. इसको हम नाम देते हैं ये वाली एनर्जी जो होगी, ये वाली ई सी प्लस ई वी ओवर टू ये एनर्जी, और इसको नाम देते हैं ई मिड गैप, ई मिड गैप एनर्जी. मिड गैप मीन कि जो इनके बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है, ये मीन कि जो बैंड गैप है इसके बिल्कुल मिड में लाई कर रही है. So that is the term half EC plus EO2 is the energy exactly midway between EC and EV, or this is called mid gap energy. So इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, EC plus EV over 2 is equal to E mid gap. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया E mid gap. So यहाँ पर put कर दें, we get EFI is equal to E mid gap प्लस 3/2 एल एन एम पी स्टार ओवर एम एन स्टार. ठीक है, और इसको ये कर सकते हैं कि ये इसको इधर ले जाए, माइनस हो जाएगा. सो वी गेट ई एफ माइनस ई मिड गैप. ठीक है, ये मिड गैप यही टर्म है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए, इज इक्वल टू 3/4 के टी एल एन एम पी स्टार ओवर एम एन स्टार.
तो ये हमारे पास आ जाएगी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है। इसमें जो EFI है, EFI इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल विच इज़ इक्वल टू ई मिड गैप प्लस दिस टर्म, और ई मिड गैप को हम इधर लिख लेते हैं माइनस करके, ताकि हम इसको ये देख सकें कि ये कितना मिड गैप से कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये माइनस टर्म कंपेरिजन के लिए ना, इसको इधर ले लेते हैं मिड गैप को लेफ्ट साइड पे। तो ई एफ माइनस ई मिड गैप ये बताता है कि जो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो मिड गैप एनर्जी से कितना ऊपर नीचे है। बिल्कुल आइडियली देखें तो वो मिड गैप होना चाहिए। अब ये जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो बिल्कुल मिड पे कब लाई करेगा, ठीक है। उसमें एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखें कि वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब ज़ीरो केल्विन है ये टर्म जीरो हो जाएगी, दैट इज ई एफ आई माइनस ई मिड गैप इज इक्वल टू जीरो, और ई एफ आई इज इक्वल टू ई मिड गैप, मीन के जीरो केल्विन पे फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बिल्कुल मिड पे होगा। उसके बाद दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनकी रेशियो पे। अगर दोनों के इफेक्टिव मैसेज इक्वल हो जाएँ, ये इक्वल कट हो के, तो फिर भी क्या होगा कि ये ई एफ माइनस ई मिड गैप जो फर्मी लेवल होगा वो बिल्कुल मिड पे लाई करेगी, ठीक है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल इफेक्टिव मैसेज आर इक्वल, देन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लाइज एट मिड गैप एनर्जी और एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ बैंड गैप। तो हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पे और टेम्परेचर पे। तो इसको फर्दर देख लेते हैं इफेक्टिव मैसेज को। सो अगर हमारे पास इस तरह हो कि इफेक्टिव मैस, इफ इफेक्टिव मैस ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट जो हमने की हुई थी, डेंसिटी ऑफ स्टेट जी वी इज इक्वल टू 4π2mp^3/2 ई वी माइनस ई, वेयर ई वी इज वैलेंस बैंड एनर्जी, एंड सिमिलरली फॉर कंडक्शन बैंड 4π2mp^3/2 ई माइनस ई सी। इसमें इसको हम ये भी टर्म इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वो किस पे डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फॉर वैलेंस बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट किस पे डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव मास ऑफ होल। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव मास होगा उतनी ये डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। मीन कि अगर हमारे पास ये देखें ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। अगर हमारे पास इफेक्टिव मास ऑफ होल इज़ ग्रेटर, होल यहाँ पर होंगे, दैन डेंसिटी ऑफ स्टेट इधर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो उधर मीन कि यहाँ स्टेट ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इस केस में फर्मी लेवल क्या होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा फर्मी लेवल। ये जो सेंटर है मिड गैप एनर्जी है, इससे थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इधर, क्योंकि देखिए नीचे स्टेट नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा है ना, तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि ये जिधर स्टेट कम है ये ऊपर तरफ जाए। तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या आ रहे हैं, सेम रहे, क्योंकि जब ये इधर स्टेट ज़्यादा हैं इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इधर फिर नंबर ऑफ होल्स थोड़े क्या होने चाहिए, अगर ये नीचे स्टेट ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए ये थोड़ा ऊपर जाता है ताकि नंबर ऑफ होल कम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाए। तो जिधर डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा होती हैं फर्मी लेवल जो होता है वो उससे ऑपोजिट की तरफ मूव कर जाता है, मीन कि अगर इधर डेंसिटी ऑफ ज़्यादा है तो ये मिड गैप से ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा है तो ये मिड गैप एनर्जी से नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्लियर। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ये इफेक्टिव मास ऑफ होल ज़्यादा है देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसके ज़्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ से हम देख लें, या हम जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट वाले रिलेशन से देख लें यहाँ से, उससे क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी। जब ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो उससे मिड से उससे ऑपोजिट लो की तरफ मूव करेगा, और अगर इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा है
तो इससे अब ये मेन मिड से दूसरी तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। क्लियर। तो इसमें आज क्लास में हमने, इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उस केस में फर्मी लेवल की पोजीशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इससे पहले हमने देखा था कि ये आइडिया हमने देखा था कि वो उसको बिल्कुल वो जब वो अप्रोक्सीमेटली मिड में लाई करती है, तो आज की हमने क्लास में देखा कि वो एग्जैक्ट मिड में लाई नहीं करती, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और इफेक्टिव मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पे। और वो कैसे डिपेंड करता है, ये रिलेशन हमें ये बताता है, ई एफ आई इज इक्वल टू ई मिड गैप माइनस ई मिड गैप इज इक्वल टू 3/4 के टी एल एन एम पी ओवर एम एन स्टार। चलिए अभी हम एक एग्जांपल करते हैं और उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि हम इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की पोजीशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिड गैप एनर्जी, मिड गैप एनर्जी। सो बस एग्जांपल है, दिस एग्जांपल 3.9, ये नीमैन की बुक की है। इसमें हमने फाइंड करना है, इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दिस इज इंट्रिंसिक्स इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ बैंड गैप। सेंटर ऑफ बैंड गैप मीन मिड गैप एनर्जी। किस केस में, सिलिकॉन के लिए एट 300 के, कि हमने सिलिकॉन के लिए अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है दैट इज 300 केल्विन, तो उसके लिए हमने ये बताना है कि उसका फर्मी लेवल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बैंड गैप। मीन के ये वापस हो गया और ये ई सी हो गया, ठीक है, दिस इज ई बी एंड ये बिल्कुल सेंटर होगा, ये सेंटर आ गया वापस। हमने देखना है कि जो सिलिकॉन के लिए फर्मी लेवल होगा वो इस सेंटर से ऊपर होगा या नीचे होगा, वो कितना होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव मैसेज हमें पता है सिलिकॉन के लिए, लिटरेचर से मिल जाते हैं, इफेक्टिव मैसेज सिलिकॉन एम एन स्टार इज इक्वल टू 1.08 एम नॉट, ठीक है, वेयर एम नॉट इज रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी स्टार इज इक्वल टू 0.56 एम नॉट। सो हमें पता है कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया ई एफ आई इज इक्वल टू ई मिड गैप माइनस ई एफ आई माइनस ई मिड गैप इज इक्वल टू 3/2 के टी एल एन एम पी स्टार ओवर एम एन स्टार। तो ऐसे वैल्यू सपोर्ट कर दें, 3/4 के टी के इसमें आप बोल्ट्जमैन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टेम्परेचर टी इज 300 केल्विन, वो सब्स्टिट्यूट करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो ये मेरा बनता है 0.0259 और 0.026। रूम टेम्परेचर पे केटी की वैल्यू वो इसकी इक्वल आती है, ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव नाइन और 0.026 भी ले सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एल एन 0.56 एम नॉट और 1.06 एम नॉट, ये हमने ये वैल्यू स्पोर्ट कर लिया, इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मैस ऑफ होल, इसमें ये एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट एल एन 0.56 ओवर एल एन 1.08 और 0.0259। ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो सिर्फ ये रह जाएगा एल एन 0.56 ओवर 1.08, तो ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.0128, दैट इज़ ई एफ आई माइनस ई मिड गैप इज इक्वल टू माइनस
0.012 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मैं ये पता चलता है कि ये जो फर्मी लेवल है ये क्यों आंसर माइनस आ रहा है, मीन के ई एफ आई विद वुड बी स्मॉलर देन ई मिड गैप, मीन के ये मिड गैप से इसकी एनर्जी कम होगी इसलिए आंसर माइनस आ रहा है, मीन के ये मिड गैप से नीचे लाई कर रहा होगा। सो हम और कितना नीचे लाई कर रहे हैं, -12.8, मीन के जो इस केस में सिलिकॉन के लिए रूम टेम्परेचर पे जो फर्मी लेवल है वो मिड गैप एनर्जी से 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो थोड़ा नीचे है। ठीक है, यहाँ हमें फिगर में भी देख लें कि ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, इसमें जो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप है, बैंड गैप है वो इक्वल होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसको लिख सकते हैं 1122 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मिड करें 1122 मिड तो 560 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है कि जो मिड गैप एनर्जी है ये वाली वो कितनी है, ई मिड गैप 560 इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंडक्शन बैंड से नीचे है, या 560 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैलेंस बैंड से ऊपर है। अब हमारे पास क्या था कि जो फर्मी लेवल है वो इससे 12.8 नीचे है, मीन के इससे नीचे आई है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे पास क्या है, ई एफ आई इज इक्वल टू ये लाइन ब्लैक कलर की, और ई एफ माइनस ई मिड गैप मीन के ये पूरा ई एफ 12.8 ये आ जाएगा 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी। तो आज के लेक्चर में हमने फर्मी लेवल की पोजीशन को देखा विद रिस्पेक्ट टू मिड गैप एनर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम डोपिंग ऐड करते हैं तो उससे एनर्जी लेवल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि जब हम डोपिंग करेंगे तो उससे हमारे पास एक नया एनर्जी लेवल राइज होगा, डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल, तो उसको हम देखेंगे कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। Thank you very much.